हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर ओन प्लेसेस. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसा फेस वॉश जो बिल्कुल ड्राई फेस वॉश है और दो ही चीजों से अपने मिक्स करेंगे रोज सुबह फ्रेश फ्रेश और अपने फेस पे लगाने वाले हैं, जो सेवरल स्किन कंडीशंस की हार्मोनल इम्बैलेंस, अल्ट्रा यूवी रेज में ज्यादा एक्सपोजर की वजह से, कुछ मेडिकेशन आपका चल रहा है उसकी वजह से अपने स्किन पे पिगमेंटेशन हो गया है, हाइपर पिगमेंटेशन हो गया है, कितना भी पुराना पिगमेंटेशन है, डिलीवरी के टाइम कुछ डिफिशियंसी अपने शरीर में हो जाती है तब भी अपने को पिगमेंटेशन देखने को मिलता है, आयरन की कमी होने की वजह से भी अपना पिगमेंटेशन हो जाता है, कुछ डार्क स्पॉट हो जाते हैं अराउंड द माउथ एंड नोज, कैसा भी डार्क पैच है, कैसा भी पिगमेंटेशन है, सब ये सब दूर हो जाने वाला है ये जो मैं बताने जा रही हूँ इसको यूज करने से. इसके लिए अपने को क्या लेना है, नटमैग पाउडर. नटमैग पाउडर, जायफल, सब लोग जानते हैं, एक एक्जोटिक स्पाइस है ये, जो कि इंडोनेशिया में बनता है, अपने यहाँ ये बनता भी नहीं है, बट इट इज वेरी इफेक्टिव. इसको कॉन्फेक्शनरी डिशेज, स्वीट डिशेज में स्पेशली इसको यूज किया जाता है इसके फ्लेवर की वजह से, बट स्किन के लिए भी इसके बहुत सारे फायदे हैं. पिगमेंटेशन की समस्या हर लेडीज को कभी ना कभी देखने को मिलती है, बट ये इसके रेगुलर यूज से अपने ये वाली जो प्रॉब्लम है इससे निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं. कुछ इसेंशियल ऐसे ऑयल रहते हैं नटमैग पाउडर के अंदर जो इसको अलग बनाते हैं बाकी सब स्पाइसेस से. ये अपने स्किन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है अगर सही तरीके से लगाई जाए तो. तो सबसे पहली बात, नटमैग पाउडर को कभी डायरेक्ट स्किन पे अकेला नहीं लगाना है, कोई भी चीज को इसमें मिला के डाइल्यूजन इसका करना रहता है उसके बाद ही लगाइए, नहीं तो आपकी स्किन पे रेडनेस हो जाएगी. और इसको यूज करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज आप एक पैस टेस्ट जरूर कर ले. ये हर कोई स्किन पे, ज्यादा सेंसिटिव स्किन है उस पे ये कुछ हार्श चीज आपके स्किन पे ना कर दे, कुछ हार्श आपको इसके इन्फेक्शन ना देखने को मिले, इसलिए प्लीज पहले पैस टेस्ट कर लीजिए. वैसे तो ये सब स्किन टाइप पे लग जाता है, कोई ऐसा कुछ है नहीं, पर फिर भी आपको पैस टेस्ट करना जरूरी है. इसको डायरेक्ट यूज नहीं कीजिए, ये एक्जोटिक होने की वजह से ये स्किन पे जलन, थोड़ी जलन सी कर देता है, बट थोड़ी देर बाद वो जलन खुद ब खुद चली जाती है, इसलिए आपको इसको किसी और चीज के साथ मिक्स करके लगाना होता है. तो चलिए अब देखते हैं कैसे इसको लगाना है. इसको लगाने के लिए सबसे पहले अपने एक कटोरी में एक चम्मच जायफल का पाउडर, नटमैग पाउडर, अगर आप चाहे तो नटमैग जो उसकी गुठली रहती है उसका बीज जो रहता है वो ले आइए, उसको घिस के भी आप उसको लगा सकते हैं, या फिर आप नटमैग पाउडर जैसा मैंने ले रखा है मेरे जैसे नटमैग पाउडर ले लीजिए. उसके अंदर एक आधा चम्मच हनी डालिए, इसको मिक्स करिए, आधा चम्मच हनी और एक चम्मच नटमैग पाउडर को, और फिर सुबह सुबह उठते ही जो अपने फेस वॉश करते हैं फेस वॉश को स्किप करिए और इसको लगाइए सुबह सुबह. इसको फेस वॉश जैसे मैं यहाँ करके बता रही हूँ, फेस को पानी से, नॉर्मल पानी से वॉश किया और फिर उसके बाद ये जो अपनों ने पेस्ट बनाया है इसको लगाया, 20 मिनट तक इसका स्क्रब किया और फिर इसको धो लिया. बस रोज अपने को ये वाला काम करना है. एक्चुअली ये अपने को फेस वॉश की तरह यूज करना है, फेस वॉश को आप स्किप कर सकते हैं, नेचुरल फेस वॉश आप लगाइए और इससे आपकी पिगमेंटेशन धीरे धीरे फेड अवे हो जाएगी, धीरे धीरे इसका बहुत सारा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, स्किन जो आपका डिस्कलरेशन हो रखा है वो स्किन आपकी इवन आउट हो जाएगी और आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे. तो आप इसको लगाइए और इसको लगाने के बाद आप कुछ जलन हो रही है तो आप इसको रोज वाटर इस आपके मुंह पे स्प्रे कर लीजिए या कॉटन पे लगा के रोज वाटर आप अपने फेस पे डैब डैब करके लगा लीजिए और फिर देखिए आपकी स्किन पे कैसा निखार आता है. तो अगर आपको ये रेमेडी, ये जो फेस वॉश मैंने जो बताया ये
हेल्पफुल लग रहा है, आपके लिए काम कर रहा है, 7 दिन तक लगाइए इसके। जो अगर आपकी पिगमेंटेशन फेड आउट हो रही है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, ताकि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं नीचे कमेंट पड़े तो उनको भी पता लगे ये काम एक्चुअली में करती है या नहीं करती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।